थर्ड नंबर कह रहा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू में 3π/2 दिया हुआ है। तो राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा π/2 होगा, मैक्सिमम π/2 होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के लिए मैक्सिमम π/2 होगा, साइन इनवर्स वाई के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगा, साइन इनवर्स जेड के लिए भी π/2 होगा। तो ये तीनों का वैल्यू π/2 होने पर ही ना आप π/2 को ऐड करोगे तो 3π/2 होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगा, यानी साइन इनवर्स वाई का भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगा, साइन इनवर्स जेड का भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा π/2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगा। और ये π/2 ही होंगे, ये π/2, ये π/2, ये π/2 होंगे, तभी आपका 3π/2 आएगा। ये तीनों का वैल्यू π/2 ही होगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स भी π/2 के इक्वल होगा, साइन इनवर्स वाई भी आपका π/2 के इक्वल होगा, और साइन इनवर्स जेड भी आपका π/2 के इक्वल होगा, तभी इसका सम 3π/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही, अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि π/3 है, तो तीन, तो अगर इसका π/3 लोगे तो इसका आप क्या लोगे, क्योंकि मैक्सिमम तो π/2 ही है। तो अगर आप इसका π/2, इसका π/2 ले लेते हो और इसका π/3 लेते हो, π/6 लेते हो, तो ऐड करने पर 3π/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इनका मैक्सिमम वैल्यू लेने पर ही ये तीनों का सम 3π/2 आ रहा है। इसका मतलब अगर इसे ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू में इधर साइन π/2, वाई इक्वल टू में साइन π/2 और जेड इक्वल टू में भी साइन π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन π/2 1, तो एक्स का भी वैल्यू 1, वाई का भी वैल्यू 1 और जेड का भी वैल्यू 1, और तीनों का सम पूछ रहा है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 1, 2 और ये 3, तीनों का ऐड कर देंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।